बिलासपुर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जुखाला में प्रदेश का पहला साइंस पार्क बनने जा रहा है, जिसका पहले चरण का कार्य पूरा होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि साइंस पार्क आधुनिक बनेगा। राज्य सरकार इस पर 75 लाख रुपए खर्च करेगी। इस राज्य स्तरीय विज्ञान केंद्र को आधुनिक बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। बिलासपुर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जुखाला में प्रदेश का पहला साइंस पार्क बनने जा रहा है, जिसका पहले चरण का कार्य पूरा होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि साइंस पार्क आधुनिक बनेगा। राज्य सरकार इस पर 75 लाख रुपए खर्च करेगी। इस राज्य स्तरीय विज्ञान केंद्र को आधुनिक बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत आने वाले 18 स्कूलों के बच्चे इस राज्य स्तरीय विज्ञान केंद्र का भ्रमण कर रहे हैं। जुखाला के प्रधानाचार्य एवं जिला परियोजना अधिकारी राकेश पाठक ने बताया कि इस पार्क में और भी नए नए मॉडल स्थापित किए जाएंगे। वहीं राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत आने वाले 18 स्कूलों के बच्चे इस राज्य स्तरीय विज्ञान केंद्र का भ्रमण कर रहे हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जुखाला में राज्य स्तरीय विज्ञान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिस पर सरकार 75 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस पार्क को आधुनिक बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। राज्य स्तरीय विज्ञान केंद्र के प्रवेश द्वार को रंग सफेदी करके दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मैं राकेश पाठक, DPO डाइट बिलासपुर। आपके बताना चाहूँगा कि ये बहुत हर्ष का विषय है कि बिलासपुर में डाइट के प्रांगण में साइंस पार्क बनने जा रहा है, जो लगभग 75 लाख के धनराशि से बनेगा। इसमें एक डोम होगा और डोम के साथ साथ यहाँ पर एक साइंस पार्क होगा। उस साइंस पार्क में हर्बल गार्डन और कैक्टस, साथ में कुछ जो वैज्ञानिक मॉडल हैं वो रखा जाएगा। इस साइंस पार्क का स्थापित करने का एक हमारा उद्देश्य, जो हमारे युवा पीढ़ी है, खास करके जो बच्चे हैं स्कूलों में, उनमें विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। और जो ये साइंस पार्क बनाया जाएगा, ये जो जलंधर में जिसको साइंस सिटी कहते हैं, कपूरथला में है, उसके बराबर राष्ट्रीय स्तर तक इसको पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत यहाँ पर 18 स्कूलों को जोड़ा गया है। वहाँ से विभिन्न विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं, यहाँ का अपना अध्ययन कार्य करते हैं, तथा उनमें हमारा ये प्रयास है कि विज्ञान के प्रति लगाव उत्पन्न किया जाए। इस साइंस पार्क में जो कार्य चल रहा है, वो प्रथम एक NGO है, प्रथम के नाम से, उनके सहयोग से ये कार्य पूरा किया जा रहा है। और साथ में जो हमारे स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस है शिमला में, उनके द्वारा ये धनराशि जो है मुहैया करवाई गई है। जो डोम बनाने का कार्य है, ये अभी उसके जो टेंडर होने हैं वो अंतिम चरण पे है, जो सरकार के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ डाइट में इस समय जो साइंस पार्क बन रहा है, उसके ब्यूटिफिकेशन का, सौंदर्यकरण का जो कार्य है, वो अपने अंतिम चरण पे है। साथ में यहाँ पर हम विशेष करके मैथमेटिक्स और साइंस के प्रति, क्योंकि बच्चों को ये दोनों चीज़ें जो हैं काफ़ी टफ लगती हैं, उससे भागते हैं, तो उनमें वो जागरूकता लाना और उनके प्रति जो मैथमेटिक्स और साइंस है, उनमें चेतना विकसित करने का ये मेन हमारा उद्देश्य है। एक समस्या और भी हमारी ये दूर होगी साइंस पार्क बनाने से, कि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। और जो हमारे ऐसे छोटे स्कूल हैं जहाँ के विद्यार्थी भ्रमण करना चाहते हैं लेकिन बजट नहीं है, और दूसरे टेक्निकल प्रॉब्लम आती हैं ट्रांसपोर्टेशन की, उनकी सुरक्षा की, तो वो समस्या भी हल हो जाएगी। और बच्चे यहाँ पर आ करके इसका भ्रमण करके और सेम डे अपने घर भी पहुँच सकते हैं, तो इसका जो सबसे बड़ा लाभ है, तो वो हमारे विद्यार्थियों को मिलेगा। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के जिला समन्वयक देशराज ने जिला के सभी स्कूल मुखियाओं से आह्वान किया कि वे अपने अपने विद्यालय के बच्चों को इस राज्य स्तरीय विज्ञान केंद्र में भेजना सुनिश्चित करें, ताकि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को
विज्ञान के प्रति और ज्यादा प्रेरित किया जा सके। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय विज्ञान केंद्र में आने से पहले जिला समन्वयक से तिथि और समय जरूर ले ताकि समय का पूर्ण सदुपयोग हो सके और राज्य परियोजना निदेशक के दिशा निर्देशों का भी पालन किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि मॉडल पार्क में स्थापित विभिन्न मॉडल से बच्चे रूबरू हो सकेंगे और उनका ज्ञान और ज्यादा विकसित हो सकेगा।